इन्हीं से मैं मिलने आई हूँ दोस्तों, ये यूट्यूबर है सबसे सुनील। पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आंटी जी आए हैं बहुत दूर से चल करके हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छा हमें लगा। और जो भी मेरे से हेल्प हो सका मैं आंटी को किया। बाकी आप आंटी बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत जो अच्छा सोच लगा। करके आए थे वो हो गया हाँ, ना? करीब मेरा करीब हो गया हो गया ना? तो अब मैं घर निकल रही हूँ। जिस टाइम चीज़ निकल के लिए मैं जाता आई थी वो तो मेरा पूरा हो गया, तो अब आ रही हूँ। और उधर आप लोग समझे, अब मुझे आगे बढ़ने का मौका देते हाँ। हैं या नहीं देते हैं। और जो लोग, और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक जो लोग इतना सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई मेरे सब्सक्राइब कर साथ मुझे रिक्वेस्ट कर लीजिए। और आंटी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ दोस्तों, और मैं पटना जा रही हूँ। तो पटना तो कल जाऊंगी, कल मेरा सुबह 7 बजे ट्रेन है। रुकना है जहाँ रेलवे स्टेशन है वहीं रायपुर में, तो रात हाल्टिंग वहीं रुकना है दोस्तों। फिर कल सुबह मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगी। तो बस में मैं बैठ गई हूँ दोस्तों, ये रायपुर वाला बस है। और नंदी के नाना छोड़ने आए थे, तो मैं बस से उतर चुकी हूँ दोस्तों। और ये रहा रायपुर का स्टेशन, रायपुर का ये बस स्टेशन है। तो फिर से मैं तैयार हो गई हूँ दोस्तों ट्रेन चढ़ने के लिए। और मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि मैं पटना जा रही हूँ। तो अभी मेरा 7:30 बजे ट्रेन है। तो मैं नहा धो ली हूँ और तैयार हो चुकी हूँ, और नाश्ता भी कर ली। क्या करूँगी उतना तो अभी आइडिया नहीं है, ट्रेन में कब खाना आता है, कब क्या होता है, और मैं अकेली हूँ तो इसलिए डर लग रहा है। तो मैं इतना समय नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन नाश्ता कर ली हूँ तो ठीक है। तो ट्रेन में मैं बैठ चुकी हूँ दोस्तों। बाबू से मिलना था, उस बाबू के पास, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उस बाबू को। तो ठीक है, मैं जल्दी में वीडियो नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इतना गर्मी दिन भर और रात भर, तो मैं आते ही ना पाई आप लोगों को यहाँ आई, तो नहीं दिखा पाई। लेकिन अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ नहा धोकर, और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ठीक है आप लोगों को बाबू को दिखाऊंगी। तो इन्हीं से मैं मिलने आई हूँ दोस्तों, ये यूट्यूबर तो है सुनील। पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आंटी जी आए हैं बहुत दूर से चल करके हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छा हमें लगा। और जो भी मेरे से हेल्प हो सका मैं आंटी को किया। बाकी आप आंटी बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत जो अच्छा सोच लगा करके आए थे वो हो गया। हाँ, करीब करीब हो गया ना? तो अब मैं घर निकल रही हूँ। जिस चीज के लिए मैं आई थी वो तो मेरा पूरा हो गया, तो अब आ रही हूँ। और उधर आप लोग समझे, अब मुझे आगे बढ़ने का मौका देते हैं या नहीं देते हैं। और जो लोग, और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक जो लोग इतना सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई मेरे सब्सक्राइब कर साथ मुझे रिक्वेस्ट कर लीजिए। और आंटी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो ठीक है, अब मैं निकल रही हूँ घर से, इनके यहाँ से बोलिए। तो मैं घर आ गई दोस्तों,
और रात में आई और इतना मैं थक चुकी थी तो उसी समय मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। ये सुबह का टाइम है और घर का मैं पूरा काम कर ली हूँ। नल में पानी आया था तो मैं सुनील के यहाँ से मैं आ गई, वही सुनील यूट्यूबर सुनील, तो उससे मैं मिल के आ गई। और मैं दूसरे वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगी दोस्तों कि मेरा रास्ता का सफ़र कैसा रहा, तो मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर रखती हूं और उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अच्छा और प्यारा सा एक कमेंट करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।